नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू. क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ इंटीजर नंबर जनरेट करना फ्रॉम 3 to 5 एंड प्रिंट ईच आइटम इन द सीक्वेंस. सिंपल आप लीजिएगा, ले सकते हैं फॉर आई इन रेंज. यहां इन ऑपरेटर यूज हुआ, मेंबरशिप ऑपरेटर, क्योंकि 3 to 5 करना है तो इनिशियल वैल्यू हमारा मालूम है 3 है स्टार्ट वर्ड, लेकिन एंड पॉइंट हमेशा याद रखिएगा एक्सक्लूसिव होता है, तो यहां पे 5 तक करना है तो हमको यहां 6 लेना पड़ेगा. ठीक है, बोलो ठीक है. प्रिंट आई, आउटपुट हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 एक्सक्लूसिव होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसी में आगे. क्रिएट क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ नंबर फ्रॉम 3 to 19 मान लेते हैं, बट इंक्रीमेंट वेंट बाय 2 इंस्टेड ऑफ 1 इंस्टेड ऑफ 1. एक जगह आपको 2 इंक्रीमेंट करना. ठीक है, स्टेप वैल्यू आ जाएगा. देखेंगे फॉर आई इन रेंज 3 है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट 19 दिया हुआ है, मतलब 19 तक प्रिंट करना था, यहाँ 20 दे देंगे, 21 दे देंगे, जैसे आप जाए स्टेप वैल्यू वहां पर 2 दे देंगे. प्रिंट इनिटेशन के लिए प्रिंट तो क्या जनरेट करेगा, 3 फिर प्लस 2 हो जाएगा 5 फिर 7 फिर 9 11 फिर 13 फिर 15 17 19 ये रो वाइज करेगा. अगर आप कॉलम वाइज प्रिंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था, दे देंगे कॉमा एंड इक्वल टू इस तरीके से स्पेस दे देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इस आएगा 3 5 स्पेस 7 9 11 13 15 17 19. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ मिठाई देता हूं रुकिए, स्पेस कम है. क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना. ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, 10 है फर्स्ट नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग पॉइंट नेचुरली 1 से स्टार्ट करेंगे, लेंगे फॉर यहां पे सम एक लेना पड़ेगा, सम इक्वल टू लेंगे 0. क्यों मैं बता रहा हूं, यहां पे नन क्यों नहीं लिया, पहले एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर I in range स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगा कॉमा 11. ठीक है, बोलो यहां लिखेंगे इनिटेशन में सम इक्वल टू सम प्लस I, यहां पे क्लोज में लिखेंगे प्रिंट I. ठीक है,
ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सबकी वैल्यू जीरो इनिशियली है, यहां पे एक एक करके वैल्यू जनरेट करेगा, पहले वन फिर टू फिर थ्री टेन तक जाएगा, आई वैल्यू जो जनरेट होगा वो एड होता एक्यूमुलेट होता जाएगा सम के साथ, और सम की वैल्यू यहाँ पे लास्ट, सॉरी यहाँ पे लास्ट पे प्रिंट करेगा, प्रिंट सब नाम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं आप सम इक्वल टू कॉमा, तो यहाँ आउटपुट आएगा आपको सम इक्वल टू वैल्यू आया 55। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था नन यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करें, अगर आप यहाँ पर नन यूज करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक नन वैल्यू से ऐड नहीं हो सकता, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया है, राइट ए पाइथन कोड टू प्रिंट फर्स्ट एन की वैल्यू इनपुट करना होगा, एन नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो प्रिंट देयर सम, एंड ऑल्सो प्रिंट देयर सम। ठीक है, अब देखिए यहां ले लेंगे सम इक्वल टू जीरो फॉर, सॉरी इनपुट कराएंगे सबसे पहले ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर इन एन इक्वल टू एंड, आप यहां पे एक मैसेज भी डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, एन की वैल्यू इनपुट करिए। ठीक है, लेकिन सम इक्वल टू जीरो लेकिन फॉर आई इन वन, फाइनल वैल्यू वन से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर है, यहां पे क्या होगा एन तक जाना, तो यहां लिखेंगे एन प्लस वन। ठीक है, यहां लिखेंगे सम प्रिंट भी करना है, यहां नंबर लिखेंगे प्रिंट आई यहां इनविटेशन हो जाएगा, यहां लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, यहां पे लास्ट में लिखेंगे प्रिंट। ठीक है ना, जब इनपुट मान लीजिए आप एन की वैल्यू फाइव इनपुट करते हैं तो फाइव के रिस्पेक्ट में आपका एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, सम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पर सम इक्वल टू हम तो सम इक्वल टू जो भी अगर फाइव है यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेडिंग देते हैं डिक्रीमेंट पोर्शन, जिसे हम लोग अभी इंक्रीमेंट कर रहे थे हमेशा, इसमें लिखेंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंटिंग विथ रेंज फंक्शन यूजिंग नेगेटिव स्टेप वैल्यू, यूजिंग नेगेटिव स्टेप वैल्यू, मान लीजिए आप दिए फॉर प्लेन एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर आई इन रेंज 25 25 लेकर कहां से जाएगा 2 तक जाएगा, स्टेप वैल्यू माइनस 2 है ना, तो घटते जाएगा 25 के बाद फिर 23 आ जाएगा, इस तरीके से प्रिंट करेगा। अब दे देते हैं प्रिंट देते हैं आई एन इक्वल टू सिंगल कोट दे देते हैं, देखिए एक ही रो में प्रिंट कर देगा ना, अब यहाँ पे कॉलम वाइज प्रिंट हो जाएगा, देखिए कैसे, पहला आपका आउटपुट क्या आएगा 25 प्रिंट करेगा स्टार्टिंग वैल्यू, सॉरी उसके बाद 23 स्टेप माइनस 2 हो गया, उसके बाद फिर 21 पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाएगा
ठीक है, कर दे रहा हूँ 20, 2019, 2017, 2015 तू नहीं आना चाहिए, तू से पहले तक जाएगा, है ना, 23, 25, 23, 21, 19, 17 करते जाइएगा, लास्ट में आपका 3 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि तू नहीं जाएगा ना, तो आपका ये आपका आउटपुट आ गया। तो रेंज फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, इस पे कुछ प्रोग्राम वगैरह डिस्कस करेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में।